हेडिंग बनवाया था क्या करें, क्या पढ़ा था? चेंज इन यूज ऑफ प्रॉपर्टी। पहले जरा बनवा दूं फिर मैं बताता हूँ आपको कहाँ लिखना है। ये बुक पे लिख लीजिएगा, मैं बताता हूँ किससे। पहले जरा देख के मैं सब पेज नंबर 262 और 263 रिवाइज कर रहा हूँ। चेंज इन यूज ऑफ प्रॉपर्टी का मीनिंग क्या है? एक स्टैंडर्ड से दूसरे स्टैंडर्ड में आना, कौन कौन सी पॉसिबिलिटीज है? अगर तो आप नीचे देखते रहिएगा, मैं वहीं से लिखा। इफ कॉस्ट मॉडल इज यूज देन IAS 40। अगर IAS 40 में कॉस्ट मॉडल है तो सिंपली क्या होगा? सिंपली ट्रांसफर एट प्रीवियस करेंगे अमाउंट। ये हमने जो कल तीन सिनेरियोस पढ़े थे, ये किस केस में? अगर हमने IS2 से IS16, IS16 से IS40 किसी भी स्टैंडर्ड में जाना, लेकिन IS40 में अगर कॉस्ट मॉडल है, सिंपली जिस वैल्यू पे एसेट आ रहा होगा, बस आपने उसी वैल्यू पे एसेट क्रेडिट करके दूसरे स्टैंडर्ड में ट्रांसफर कर देना, ठीक है? तो इस केस में तो कोई इशू नहीं बनेगा। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है? इफ फेयर वैल्यू मॉडल इज यूज्ड इन, इफ फेयर वैल्यू मॉडल इन IS40, फिर यहाँ पर तीन पॉसिबिलिटीज बनी थी, ए बी सी तीन सिनेरियोज बन गए थे। ए सिनेरियो की हेडिंग बनवाए क्या था? किस स्टैंडर्ड से किस स्टैंडर्ड? अगर IAS 16 से IAS 40 में जाना है तो नेक्स्ट टू लाइन जरा पढ़ें और बताएं फिर क्या करना है। फर्स्ट रिवैल्यू अकॉर्डिंग टू, फर्स्ट रिवैल्यू अकॉर्डिंग टू IAS 16 के एंगल से रिवैल्यू करने का मतलब क्या हुआ? लॉस आएगा तो कहाँ जाएगा, और अगर सरप्लस आएगा तो ठीक है, तो 16 के मुताबिक रिवैल्यू करना एंड देन ट्रांसफर। ट्रांसफर की क्या एंट्री बनेगी? इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी डेबिट और प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट ओनर ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी क्रेडिट, ऐसे ही होना है। पहले किस स्टैंडर्ड के मुताबिक कर लेना, IAS 16 के मुताबिक रिवैल्यू कर लेना, और फिर जो फेयर वैल्यू आएगी उस पर ट्रांसफर कर देना, और ऑनवर्ड्स फिर कौन सा स्टैंडर्ड यूज होगा? IAS 40 पर यूज होगा, और IAS 40 के फेयर वैल्यू मॉडल में अकॉर्डिंगली फिर जिसका ट्रीटमेंट वो करेंगे। बी सिनेरियो होंगे, अगर IAS 2 से IAS 40 में जाना नेक्स्ट पेज पे, तो फिर क्या करना? फर्स्ट ट्रांसफर करना, फर्स्ट ट्रांसफर टू IAS 40 क्या एंट्री बनी? इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी डेबिट इन्वेंट्री क्रेडिट। इन्वेंट्री से जानना, इन्वेंट्री क्रेडिट इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी डेबिट, जिस अमाउंट पे इन्वेंट्री में आ रहा होगा एसेट पहले उसी पे आ जाएगा, एंड देन रिवैल्यू अकॉर्डिंग टू IAS 40। अब रिवैल्यू अकॉर्डिंग टू IAS 40 का मतलब, अगर कोई गेन लॉस आएगा तो फिर प्रॉफिट लॉस में आएगा। लास्ट सिनेरियो, अगर IAS 40 से IAS 2 में आना है या IAS 16 में जाना है, कहां से आना है? या कहां? इसका प्रिंसिपल सेम ही है, पढ़े जरा ढूंढे क्या करेंगे। फर्स्ट रिवैल्यू अकॉर्डिंग टू IAS 40 और गेन लॉस जो आएगा प्रॉफिट लॉस में जाएगा, एंड देन ट्रांसफर। अगर ऑनर ऑक्यूपाइड बन गई है तो IAS 16 में,
और अगर इन्वेंट्री बन गई तो आईएसओ, देन ट्रांसफर टू IS 16 और IS 2।